नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ रेल म्यूज़ियम, नेशनल रेल म्यूज़ियम जो दिल्ली में है और बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा। दोस्तों, रेल म्यूज़ियम आने के लिए आपको चाणक्यपुरी आना होगा। उसके पास ही ये रेल म्यूज़ियम बना हुआ है। ये करीब करीब 11 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, म्यूज़ियम में आने के लिए आपको अलग अलग तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आप चाहें मेट्रो से आना चाहें तो मेट्रो से आएँ, अपने कन्वेंस से आना चाहें तो अपने कन्वेंस से आ सकते हैं। ये एक बेहतरीन जगह है बच्चों के लिए। तो अगर आप बड़े देख रहे हैं इसको और अगर आप दिल्ली आ रहे हैं और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। ये एक बेहतरीन जगह है बच्चों को एजुकेट करने के लिए और रेल और उससे जुड़ी चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, इस ब्लॉग में आपको रेल म्यूज़ियम के बारे में सारी जानकारी दूंगा, इसकी टिकट्स, इसके रूट्स के बारे में, आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में आपको दूंगा मैं। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि ये न्यूज़ीलैंड हाई कमीशन के बिल्कुल नज़दीक है। तो चलो आपको लेके चलते हैं। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं रेल म्यूज़ियम और आपको दिखाते हैं अंदर से ये रेल म्यूज़ियम कैसा है। टिकट्स के बारे में भी आपको डिटेल दी जाएगी और दूसरी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल पर बने रहो ताकि आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चंद्रगुप्त मार्ग है, इसी पर रेल म्यूज़ियम बना हुआ है। तो दोस्तों, ये है रेल म्यूज़ियम। आपको सारी डिटेल्स देते हैं, कितने का टिकट है, कब आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, ये टिकट है, एक बंदे की जो टिकट होगी वो 50 रुपये होगी और दो लोगों के लिए 100 रुपये की। अगर आपको अलग अलग यहाँ पर ट्रेन इंजॉय करनी है, जैसे टॉय ट्रेन हो या अदर ट्रेन, जॉय ट्रेन भी है यहाँ पर, तो उसका चार्जेस अलग होंगे। जितनी अलग फैसिलिटीज़ आप लेंगे उतनी ज़्यादा आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, ये है इसकी एंट्रेंस। यहाँ आप अंदर घुसते के साथ ही देखेंगे एक क्यूट सा इंजन है, बहुत ही पुराना लग रहा है। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतना खूबसूरत इंजन कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये इंजन आप देख रहे हैं, ये करीब 1910 का इंजन है जो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है, बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आप जब आएँ तो यहाँ पर बच्चों को ज़रूर लाएँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग। दोस्तों, ये है गाइड मैप। यहाँ ईच एंड एवरी डिटेल्स दी गई हैं पूरे रेल म्यूज़ियम की। तो आप कैसे, किस तरीके से घूमना चाहिए आपको, इसकी सारी डिटेल्स आपको इस गाइड मैप से मिल जाएगी। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे पहला इंजन है। 1769 में ये इंजन बना था। दोस्तों और बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये बटन दबाने से ये इंजन चलता है। ये 1829 में बना इंजन है, बेहद ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना क्यूट सा छोटा सा इंजन। ये उसका डेमो पीस होगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा हो ये ब्लॉग तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये आप क्लॉक देखते हैं, ये 1926 की ये क्लॉक है। ये स्टेशन पर लगी हुई क्लॉक थी, बहुत ही पुरानी क्लॉक है। ये अभी भी इस
अच्छे से तरीके से इसे संजो के रखा। दोस्तों ये फर्स्ट इंडियन हैं जो चेयरमैन बने थे रेलवे बोर्ड के 1951 में। इनका नाम है फतेह चंद। दोस्तों और बच्चों, ये आप देख सकते हैं, अगर पहाड़ों से ट्रेन का लिए रास्ता बनाया जाता है तो इस तरीके से बनाया जाता है। बच्चों ये ट्रेन नहीं है ये शिप है जो यहाँ इस म्यूजियम में रखा गया है। ये इक्विपमेंट्स हैं जो पटरियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, रेल की पटरियों में इस्तेमाल करने वाले ये टूल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये की सबसे लेटेस्ट ट्रेन है वंदे भारत, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, इसकी स्पीड के बारे में, इसकी फैसिलिटीज के बारे में, और अगर नहीं सुना हो तो बच्चों ये सिग्नल्स है जो ट्रेन के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको देने के लिए होते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल जो ट्रेन का होता है इसके थ्रू होता है। पुराने ज़माने में इस तरह से हैंड सिग्नल दिया जाता था, ये वो हैंड सिग्नल है, इसमें रेलवे कर्मचारी हाथ में लेकर ट्रेन को रास्ता दिखाता था कि उसको आगे पास करनी है या नहीं। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं आप, ये है किसी भी पटरी को दूसरी तरफ करने के लिए, यानी कि इंजन का डाइवर्ट करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेन ऑपरेट करने के लिए पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हिंदुस्तान की उपलब्धि है। ये चिनाब ब्रिज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ये आप देख सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच में ब्रिज को बनाया जाता है। ये इंटरनेशनल बिल्डर्स हैं जो ट्रेन बनाते थे या बनाते हैं। भारतीय रेलवे का लोगो है। तो दोस्तों ये इस रेलवे म्यूजियम का इतिहास है, 1971 से शुरू होता है और 2023 तक ये इसमें डेवलपमेंट हुए हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से आप इंजन्स और टॉय ट्रेन्स वगैरह देख सकते हैं। पूरा इतिहास है नेशनल रेलवे म्यूज़ियम का। पुराने इंजन ऐसे होते थे, ये इंजन बाहर भी खड़े हुए हैं, आपको ओरिजिनल इंजन भी दिखाए जाएंगे, बने रहे। ये इंजन्स को पटरी पे किस तरीके से बिठाया जाता है ये उसके लिए, ये उसकी ट्रॉली है, इस तरीके से इंजन्स को उठाया जाता है और इस तरीके से इसको पटरी पे रखा जाता है। ये उसके टूल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हॉर्न्स हैं, ये ट्रेन्स के लिए हॉर्न्स बनाए गए थे। ये आप देख सकते हैं इस तरह के सीटिंग सिस्टम होता है हमारे ट्रेन्स में। तो ये
देख सकते हैं आप, ये बेहतरीन क्रेन सिस्टम है जो ट्रेन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये होता है उसका अंदर का सीटिंग सिस्टम। दोस्तों ये था म्यूज़ियम, अब हम आपको दिखाते हैं रियल इंजन्स, जो पुराने इंजन्स यहाँ पर सालों से खड़े हैं। दोस्तों अगर आप रेल म्यूज़ियम आना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मंडे को यहाँ ना आएं, क्योंकि मंडे को यहाँ हॉलीडे होता है, और आपको अगर आना है तो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की ये फैसिलिटीज़ है, तो आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आप टॉय ट्रेन, जॉय ट्रेन सबका मज़ा ले सकते हैं, आप पुराने इंजन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप पुराने से पुराने इंजन्स को देख सकते हैं, बड़े नज़दीक से देख सकते हैं, हाथ लगाकर भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इंजन्स हैं ये। आप जो स्टीम से चलते थे, भारतीय रेल जो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी रेल है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली एक संस्था है, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो इससे बेहतर जगह आपको घूमने के लिए नहीं मिलेगी, ख़ासकर बच्चों के लिए। ये है रियल इंजन जो आप यहाँ आके देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा इंजन है, बड़े ही नज़दीक से आप इसको देख सकते हैं, आप इसे टच भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजो के रखा गया है, बहुत ही पुराना इंजन है ये, आप देख सकते हैं। ये कितना खूबसूरत इंजन है, आप बेहतरीन इंजन है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है ये, कितना बड़ा इंजन है आप देख सकते हैं। ये इसके साथ कुछ बोगी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है इंजन, आप देख सकते हैं ये सिस्टम है इसका, ये हैंडल होता है, ये इसके ब्रेक्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर के सारे पार्ट्स किस तरह का ये होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ कोला रखा जाता था, ये स्टीम इंजन है, ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये स्टीम प्रेशर को चेक करने के लिए मीटर होता था। तो ये है वो इंजन जो सालों पहले यूज़ होता था, आप देखें बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ दोस्तों आपका आना बनता है, बहुत ही अच्छा इंजन है ये, बहुत सारे इंजन आपको देखने को मिलेंगे, पुराने से पुराने इंजन्स को आप यहाँ देख सकते हैं, पुरानी से पुरानी बोगीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, कितनी पुरानी बोगीज़ हैं ये, सब लोहे की बनी हुई हैं और आज भी देखो। ये बोगीज़ हैं, ये मालगाड़ी में इस्तेमाल होती थी और ये इस्तेमाल होते थे पैसेंजर्स के लिए। ओ भाई साहब देखो कितना बड़ा इंजन है, आप टायर्स देख रहे हैं इसके, इतने बड़े बड़े टायर्स हैं, देखिए ऊपर तक टायर आ रहे हैं ये इसके, कितना बड़ा इंजन है आप देखो। मुझे लगता है कि उस जमाने का सबसे बड़ा इंजन यही रहा होगा। दोस्तों ये अंदर से ऐसा है, साइड से आप देखें तो इतना बड़ा इंजन है, आप देखें बेहतरीन इंजन आपको ये देखें।
दोस्तों दिल्ली और दिल्ली से जुड़ी विजिटिंग प्लेसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के जो दूसरे ब्लॉग्स हैं वो ज़रूर देखना आप। दिल्ली के बारे में एक एक जगहों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है, तो आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे जो कि एक्सपीडिशन इंडिया नाम है, आप उसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जिससे दिल्ली के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो एक बार आप विजिट करके ज़रूर देखें। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये नॉर्दर्न रेलवे का इंजन है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टायर्स हैं इन इंजन्स के। आप हैरान हो जाएंगे कि ये इस तरह के इंजन कितनी पावर लेते होंगे जब ये चलते होंगे। दोस्तों ये बोगीज देख रहे हैं आप, ये अंग्रेजों के ज़माने की बोगीज हैं जिनमें अंग्रेज चला करते होंगे, और ये इंजन भी उतना ही पुराना। बच्चों यहाँ आप ज़रूर आएँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है ये, और ये बहुत नॉलेजेबल भी है। आप यहाँ एक से बढ़कर एक इंजन देख सकते हैं, हम आपको इंजन दिखा दिखा के थक जाएंगे। यहाँ इतने इंजन हैं जो बेहतरीन इंजनों में से एक हैं। आप देखें हिंदुस्तान की रेल यात्रा जो कितने सालों आज़ादी के पहले से यहाँ पर ये चल रही हैं, और ये अभी भी बड़ी मजबूती से हिंदुस्तान को बांधे हुए है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये क्रेन है जो आपने मॉडल्स में भी देखी होगी, और ये बोगीज़ आप देख सकते हैं, ये वो बोगीज़ हैं जो आज़ादी से पहले की बोगीज़ होंगी। आप देख सकते हैं, आपने सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, ये आज खासकर आजकल के बच्चों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की बोगीज़ होती थी। ज़्यादातर बोगीज़ जो होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी, और आप ये देख सकते हैं ये 90s और 80s के अंदर इस तरह की ट्रेनें चला करती थी। ये आप क्रेन देख रहे हैं, ये क्रेन्स जो होती हैं ये इंजन्स को बोगीज़ को ट्रैक पे रखने के लिए होती थी। ये आप देख सकते हैं, ये इंजन आप देखें कितना बड़ा इंजन है, आप देखें। ये देख रहे हैं, हमारे ज़माने के लोग इन इंजन्स को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, लेकिन नई जनरेशन के लिए ये इंजन्स बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप अगर बच्चों के माँ बाप हैं और बच्चे बड़े हैं, यानी कि 5 से 10 साल तक के बच्चे हैं, तो आप उनको यहाँ ज़रूर लाएं, ये उनकी नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो टिकट है बड़ों के लिए 50 रुपये है, और छोटों के लिए यानी कि छोटे बच्चों के लिए यही टिकट बहुत सस्ती है। तो आप बच्चों को यहाँ ला सकते हैं, और अगर 5 साल से बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा यार्ड जो ट्रेनों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे इंजन, बहुत सारे ट्रेन्स यहाँ आप देख सकते हैं। आपको देख के मज़ा आएगा, अगर कोई ट्रेन का शौकीन है तो उनके लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। दोस्तों सामने से आती जो ट्रेन आपको नज़र आ रही है, ये है टॉय ट्रेन। इसका किराया 100 रुपये है, आप इसको इस पर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जो देखे थे स्टीम इंजन्स देखे थे, डीजल इंजन्स देखे थे आपने, अब मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक इंजन जो आजकल ट्रेन्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये मेरे सामने जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये है इलेक्ट्रिक इंजन। ये भी काफ़ी पुराना है, लेकिन इन्हीं इंजन से शुरुआत हुई थी, और
देश और दुनिया में डेवलपमेंट हुआ था। और ये देख सकते हैं आप, ये इंजन आप देखें, ऐसा लग रहा है जैसे इंजन का बच्चा हो। बहुत ही छोटा इंजन है ये, कैसे खींचता होगा ये बोगी को, कितनी पावर लेता होगा ये। ये आप इंजन देखें, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये आप देखें, जरा सा इंजन है ये बात तो तय है कि ये इंजन बहुत लंबी दूरी के लिए तो नहीं होते होंगे, लेकिन हाँ इसी तरीके से इंजन्स में डेवलपमेंट हुआ और वो अलग अलग शेप लेते रहे, अलग अलग तरक्कियाँ होती रहीं इंजन्स में। और ये सारे इंजन्स आप देख सकते हैं, आज मैं आपको पूरा टूर दिखाऊंगा यहाँ का, रेल म्यूज़ियम का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जब आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबाना, अदरवाइज़ मेरी आने वाली वीडियोस आपको नहीं पता चलेंगी। एक बात और, अगर दिल्ली और दिल्ली के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अदर वीडियोस भी हैं, आप प्लीज़ उन्हें देखें और प्लीज़ उन्हें अप्रिशिएट करें। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी पटरी आप देख रहे हैं, आप यकीन मानो इस पर भी ट्रेन चलती होंगी। ये आप देखें, ये आप पटरी देख रहे हैं, कितनी छोटी सी पटरी है। आप सोचिए कि ये कितनी छोटी ट्रेन होती होगी जो इस पर चलती होंगी। ये आप देख रहे हैं ब्रिज। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये इंजन्स इस पे चढ़ते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये ट्रैक है। इंजन्स को दूसरे ट्रैक पे लाने के लिए इस तरह के ट्रैक का इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं, इन ट्रैक्स को दूसरे ट्रैक से अटैच किया जाता है और इंजन को दूसरे ट्रैक पे डाला जाता है। ये पूरा का पूरा ये वही सिस्टम है, ये ट्रैक के साथ साथ घूमते हैं। ये आप ये ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा घूमता है और इंजन इसके ऊपर से जाता है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, नीचे इसके व्हील है, यहाँ से ये दूसरे ट्रैक पर इंजन को ले जाना हो तो इस ट्रैक पर, उस ट्रैक पर या और दूसरे ट्रैक्स पे अगर जाना हो तो इसको पूरे को इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको देख सकते हैं कितना क्यूट सा ब्रिज है, जैसे हावड़ा ब्रिज हो। आप देख सकते हैं ये इतनी छोटी सी पटरियाँ हैं, ये आप देखिए। बचपन की यादें अगर मैं याद करूं तो जब ट्रेन ब्रिज से निकलती थी तो मेरी बड़ी हालत ख़राब होती थी, और मेरी इस बात से जो सहमत करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि उनका भी यही हाल होता था या नहीं। ये आप देख सकते हैं, तरह तरह के इंजन्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही पुराने इंजन्स हैं। आपको हैरानी होगी देखकर इनको कि ये किस तरह के इंजन हैं। आप ये देखें, ये पूरा रास्ता है ये टॉय ट्रेन के लिए। एक बिल्कुल नेचुरल ब्रिज जैसा ये ब्रिज है। ये आप देख रहे हैं, ये दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन का एक मॉडल बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह की वो ट्रेनें चलती होंगी। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है सुरंग, यहाँ से टॉय ट्रेन गुजरती है। आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं टॉय ट्रेन में। हम भी आपको बैठ के दिखाते, लेकिन हम चाह रहे थे कि आपको मैक्सिमम इंजन्स दिखा सकें, तो इस तरह का ये पूरा टूर लेती है। पूरे ये 11 एकड़ के अंदर ये बना हुआ रेल म्यूज़ियम है, इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया टूर कराती है ये टॉय ट्रेन। तो यहाँ आए तो टॉय ट्रेन का ज़रूर मज़ा लें।
दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये पुराने ब्रिज को दिखाया गया है, ये बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं शिवाजी टर्मिनल, ये मुंबई का रेलवे स्टेशन है। ये हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेशन्स को दर्शाया गया है। दोस्तों जब हम छोटे बच्चे थे तो मुझे अच्छे से याद है वो इस तरह के इंजन हुआ करते थे। तो दोस्तों ये अलग अलग स्टेशन्स हैं, ये लखनऊ का स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी तरह से कुन्नूर रेलवे स्टेशन का मॉडल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कुन्नूर लिखा होगा सामने। ये तो ये अलग अलग स्टेशन्स के बारे में यहाँ बताया गया है। अभी आप देख रहे हैं ये है गुना का रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कुछ ना कुछ खासियत रखते हैं रेलवे के इतिहास में। और ये अपना दिल्ली का लोटस टेम्पल, और सामने जो दिखाई दे रहा है आपको ये है दिल्ली का रेलवे स्टेशन, इसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया को मालूम है इस स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू सो मच।